तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो पे हम करने वाले हैं गाइस 24 आवर्स के अंदर गाइस हमको ओवर पावर होना है। जैसे ही गाइस हमारा हो गया नेदरराइट का फुल आर्मर और उसके ऊपर एन्चेंटमेंट और हमारे टूल में भी ओपी ओपी एन्चेंटमेंट लगाने है, तो गाइस से हमें करना होगा 24 आवर्स के अंदर। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, हमारा 2K भी हो चुका है, तो थैंक यू गाइस इतना सपोर्ट देने के लिए। तो आओ गाइस फिर से हम काम में लग जाते हैं। तो गाइस हमेशा की तरह सबसे पहले इन सबको मार लेते हैं और ले लेते हैं थोड़ी सी फ्री की एक्सपी। और गाइस चेस्ट के अंदर भी बहुत सारे सामान जमा पड़े हुए हैं। तो गाइस अब जाते हैं हमारे घर के अंदर और इन लोगों को गाइस ब्रीड कराते हैं, वो भी अपने फायदे के लिए। चलिए जल्दी फ्री का माल चेस्ट पे डाल लेते हैं। उसके बाद हमने फिर से फ्री का कुछ एक्सपी लिए। तो गाइस हमारे पास बहुत सारे हुल भी हो चुके हैं। और गाइस यहाँ से हम थोड़े से हुड भी उठा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेड बनाना है ना वो एंशिएंट डेब्रिस के लिए। तो यही सोचकर हम जाते हैं नर्क की ओर। गाइस वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा पंगा हो जाता है इधर हॉगलिन के साथ। और गाइस इन लोगों ने मुझे एक घाट पे छोड़ दिया था, तो गाइस मैं जल्दी जल्दी पीछे जाता हूँ। तो पीछे देखता हूँ तो गाइस ये कौन सा फ्लावर था, इसे ये लोग डरते है ना इसलिए। तो इसी का फायदा उठाते हुए मैंने सबको मार दिया। और गाइस अब इधर से हम बनाने वाले है अपना माइन, जिसमे हम एंशिएंट डेब्रिस को माइनिंग करने वाले। गाइस इधर हमें थोड़ा सा क्वार्ट्ज भी मिल जाता है। और गाइस इसी के साथ मैं नीचे जा रहा होता हूँ, तो गाइस मैं ऊपर से गिर के वहीं पे मर जाता हूँ। अरे जल्दी चलो नहीं तो लूट डिस्पॉन हो जाएगा। तो गाइस जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी गाइस हमें ये सब कुछ मिल जाता है। गाइस डिस्पॉन नहीं हुआ था तो इसके नीचे हम माइनिंग करने लगते हैं। कुछ कुछ दूरी पर ही हमें गाइस लावा मिल जाता है, तो गाइस इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। और गाइस एक बार तो मैं जल जाता हूँ, इसलिए मैंने चला दिया अपना फायर रेजिस्टेंस का पोशन जो कि हमें पिकलिन से मिला था। काफी देर माइनिंग करने के बाद मैं भी बेड फोड़ देता हूँ। और गाइस पहले बेड फोड़ने पर तो गाइस हमें कुछ नहीं मिलता, तो गाइस हम फिर से बेड फोड़ने का सोचते, तो गाइस दूसरी बार में हमें मिल जाता है एंशिएंट डेब्रिस। गाइस वो भी एक ही था, कोई नहीं गाइस बाद में धीरे धीरे मिल जाएगा। तो गाइस थोड़ी देर और फिर तोड़ फोड़ चालू करते हैं। बहुत एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के बाद तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने नेदर से। तो गाइस जल्दी जल्दी इधर सब कुछ स्मेल्ट कर लेते हैं। हमारे पास गाइस 13 एंशिएंट डेब्रिस हो चुके हैं, आप लोग इधर देख भी सकते हो। इससे कम से कम 3 ही चीज गाइस हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइस को पहले स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस इतने से हमारा काम नहीं बनने वाला, तो गाइस हम निकाल लेते कुछ सैंड। और हमारे पास पड़े हुए थे कुछ बहुत सारे गाइस गन पाउडर, तो हम बनाने की सोचते TNT। तो गाइस इतने थे तो सिर्फ 28 TNT बन पाया। बट गाइस को तोड़ फोड़ करने के बाद कितना मिलेगा ये हमें पता नहीं, तो जल्दी जल्दी इधर बना लेते हम पहले थोड़ा सा ब्रेड। तो गाइस तो मैं थोड़ा गरीब था, तो इसलिए मैं थोड़ा वीट से ब्रेड बना लेता हूँ, और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो गाइस हम लोग आर्मर अपग्रेड करने के बाद बनाएंगे ऑटोमेटिक फूड फार्म, अभी के लिए सो जाते हैं। गाइस सोना इज मोर इम्पोर्टेंट देन गाइस फूड। गाइस थोड़ी सी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने के बाद हम चले जाते सीधे नेदर की तरफ एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने। तो कलेक्ट करने के बाद मिलता आप लोगों से, बहुत कम एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के बाद। तो गाइस हमने एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट कर लिया है। और गाइस यहाँ सिर्फ हमने 5 एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट किया है, तो इसको स्मेल्ट करने के लिए रख देते। और ये फालतू का सारा सामान हम रख देते है अपने चेस्ट पे। तो अब गाइस हमने ये सब स्मेल्ट कर लिया है, तो गाइस अब जल्दी जल्दी बना लेते हम नेदरराइट का इंगट। हमारे पास गोल्ड भी है ना इसलिए। अच्छा तो गाइस हम बना लेते हैं 4 नेदरराइट का इंगट, जो कि हमारे आर्मर के लिए काफी था। तो हम भूल जाते हैं बनाना इसके लिए स्मिथिंग टेबल, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं और वहीं पे गाइस हम अपडेट कर लेते हैं अपने आर्मर को। वो आर्मर उतारना तो मैं भूल ही गया। तो गाइस अभी हम नहीं करने वाले इसको अपडेट, क्योंकि गाइस हमें जल्दी जल्दी इस आर्मर को करना होगा थोड़ा सा रिपेयर। क्योंकि गाइस अगर हम इसने अपडेट कर लेते तो गाइस इसका एक्सपी बहुत कम है, तो इसलिए हमें पहले ही डायमंड से रिपेयर कर देते और बाद में इसको कर लेते अपग्रेड। इससे हमारा नेदरराइट इंगट भी बच जाएगा। तो अब जल्दी जल्दी कर लेते इसको रिपेयर। तो गाइस सब कुछ रिपेयर हो चुका है और इसको भी लगा लेते हैं। हमने गोल्डन बूट पहना हुआ है क्योंकि पिकलिन मार देते हैं ना। तो अब इनमें नए एंचेंटमेंट, तो जल्दी जल्दी बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं और मिलता आप लोगों से बताने कितने एक्सपी कलेक्ट करने के बाद। तो गाइस हमारा एक्सपी 23 लेवल तक पहुंच चुका है, तो इन सबको रख देते हैं चेस्ट में और जल्दी जल्दी सो जाते हैं। गाइस रात हो चुकी है ना इसलिए। और गाइस फाइनली मैंने बना लिया 31 एक्सपी, तो जल्दी जल्दी इधर से निकाल लेते लैपिस। और गाइस हमें एंचेंट कर लेते हैं। गाइस में मिल चुका है हमें फायर प्रोटेक्शन 4 गाइस ठीक है इस पे, बाकी बचे हुए एक्सपी सब में चिपका देते गाइस।
तो गाइस फाइनली हमारा ये सब तो हो चुका है, हमारे पेंट में तो नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब जल्दी जल्दी बनाते हैं फूड फार्म। तो इधर से हमें ये ब्लॉक लगाना पड़ेगा, 7-7 ब्लॉक तक। तो गाइस इतना होने के बाद हमें इधर डालना पड़ेगा पानी। तो गाइस ये लास्ट पे जाकर इधर रुक जाता है, तो अब हमें डालना पड़ेगा काफी सारा पानी। तो इधर भी हो चुका है, तो सारी इधर आकर रुक चुके हैं। तो अब हम इसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि गाय भागना चाहे। और गाइस हम इधर एक ब्लॉक का ही गैप छोड़ने वाले क्योंकि सारे बच्चे एक गैप से निकल जाते हैं। तो गाइस इसको 2 ब्लॉक तक ऊपर आने के बाद हमें इसको फिल करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। तो गाइस ऊपर का तो बन चुका है, अब नीचे थोड़ा गड्ढा बनाएंगे और गाइस सब बच्चे इधर आ जाएंगे लास्ट पे। तो इधर हमें बनाना पड़ेगा गड्ढा और बनाना पड़ेगा किलिंग चैम्बर। गाइस हम बच्चे को नहीं मारने वाले, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब हम उसको मारने वाले हैं। तो गाइस जल्दी ऊपर लगा लेते हैं और इधर से बाहर निकल कर गाइस इधर थोड़ा सा साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा हमें। तो गाइस अंदर का सारा सिस्टम बनाने के बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से। तो गाइस फार्म तो बनकर रेडी हो चुका है, तो गाइस इधर पाथवे बनाते हैं, हमारे रोड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और गाइस इसको मार देते हैं से पहले। तो गाइस अब हमें डालना पड़ेगा इधर बटन, तो ये दबाने के बाद डिस्पेंसर अपने आप ओपन हो जाता है। तो गाइस को ढक देते हैं, गाइस यहीं से भागना चाहिए बच्चे लोग। तो गाइस अब हमें इधर डालना पड़ेगा 1 बकेट लावा। तो इसको डालने के बाद अगर हम इस बटन को ओपन करते हैं तो गाइस इधर से लावा निकलने लगेगा और गाइस सारे इधर एनिमल्स मर जाएंगे। तो अब इनका कोई जरूरत नहीं, गाइस हमें मार देते इनको। तो सारे सामान को फ्रिज में रखने के बाद गाइस हम चले जाते कुछ एनिमल्स को फार्म में लेने के बाद। तो गाइस हमें मिल जाता है इधर एक काउ, तो अब हम चाहिए बहुत सारे, तो इधर हमें 3 मिल जाते हैं। तो गाइस अब इन लोगों को ब्रीडिंग कराते हैं हम और देखते हैं गाइस हमारा फार्म कैसा चल रहा है। तो एक को दे दिया और दूसरे को दे दिया, तीसरे को नहीं देंगे गाइस, हमारा काम है ना। तो एक बच्चा नीचे चला जा चुका है, तो इधर से देखते हैं और गाइस बच्चा नहीं आ रहा क्या, गाइस इधर बच्चा हो गाइस आ गया। तो गाइस बच्चे को जल्दी जल्दी हम बड़ा कर लेते हैं और दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये बड़ा हो चुके हैं, अब इस बटन को दबाते हैं तो गाइस ये अपने आप मरने लगेगा और गाइस ये मर के जो गाइस ड्रॉप करेगा ना सीधे यहाँ आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना, अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।